हेलो थ्री एन फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने तो हिला डाला कमेंट सेक्शन को। मतलब क्या बवाल मचाए हो यार कमेंट सेक्शन में। BDTH की वॉल्यूम 2 चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है। तो BDTH की वॉल्यूम 2 आएगी, आएगी, आएगी। लेकिन फर्स्टली हम वॉल्यूम 1 को कंप्लीट करेंगे। वॉल्यूम 2 इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उसमें डाउडी के आगे के भी लेवल हैं, ऐसा जियोयान को पता चलता है। तो हम उसे बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, जो बाकी लोग कह रहे थे कि मैं ये नोवेल एक्सप्लेन करूं या वो नोवेल, तो उसके लिए आप अगर किसी अदर यूट्यूब चैनल को सुनते हैं तो उन्हें कह सकते हैं उस नोवेल के लिए। वरना मैं अपना ट्राई करूंगा कि आपके साथ साथ मैं उस नोवेल को भी एक्सप्लेन करता चलूं। बट क्या है कि इसके साथ साथ अगर उस नोवेल को भी एक्सप्लेन करूंगा तो वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हम पहले इस नोवेल को कंप्लीट करते हैं, फिर वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करेंगे। और वॉल्यूम 2 बहुत बड़ी है तो वॉल्यूम 2 के लिए ही हम प्रेफर करते हैं अभी, और किसी नोबल के बारे में सोचना ही बेकार है फिर। बाकी आप लोगों के कमेंट तो पढ़ के मैं यही कहूंगा कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसे ही रोज कमेंट किया करो तो नहीं, कंजूसी दिखानी है, नहीं लिखेंगे कुछ, नखरे दिखाने हैं, भाव खाने हैं। रोज कमेंट किया करो ऐसे ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो, कितनी मेहनत करता हूँ मैं। खैर बकवास बंद करते हैं और सीधा नोबल एक्सप्लेन करते हैं। पिछला एपिसोड तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसने नहीं देखा वो जाके पिछला एपिसोड देखो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बवाल एपिसोड बना हुआ है, आप लोगों को 100% मजा आएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियोयान अपने मेडिटेशन में दिखाया जाता है, जो कि TN9 की मिस्टीरियस फील को रिफाइन कर रहा था। साथ ही साथ जियोयान फील कर सकता था कि उसकी बॉडी के अंदर जो डुई कुई वो तेजी से बढ़ने लगी है। साथ ही साथ उसी के बगल में फाइट चल रही थी जो कि गुदाओ और हुनसा के बीच में थी। ये दोनों ही अपने क्लेन में सबसे ज्यादा पावरफुल थे और दोनों ही 7 स्टार डूसेंग लेवल पर थे। हालांकि जियोयान को इनकी फाइट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना मस्ती से बैठा हुआ था कल्टीवेशन पे। लेकिन यहाँ पे जो परेशान था वो व्यक्ति था गुसा, हुनसा। वो खुद से कहता है कि आखिरकार मैं ऐसी जगह पे आया ही क्यों, अगर यहाँ पे हम दोनों लड़ाई करेंगे तो गु क्लेन के गु एल्डरों को पता चल जाएगा और वो तुरंत ही यहाँ पर आकर मुझे मार डालेंगे। इसीलिए मुझे ये फाइट जल्द से जल्द एंड करनी पड़ेगी। और इतना सोचने के बाद ही उसके हाथ में एक खूनी खंजर दिखाया जाता है, जिससे वो कुछ फॉर्मेशंस को चेंज करके एक अटकैक क्रिएट करता है जो कि होता है ब्लड गॉड टर्निंग स्काई। इस फॉर्मेशन के साथ ही उस चाकू के नीचे ब्लैक कलर की और रेड कलर की फॉग जमा होने लगती है और वो तेजी से गुदाओ की तरफ बढ़ती है। उस चाकू के अटैक के कारण 1 लाख फीट चौड़ा रक्त का गड्ढा बन जाता है और साथ ही साथ हजारों किलोमीटर तक गहरे नाले की तरह दिखाई देता है। साला अटैक है कि बवाल है बे, मतलब गुदाओ कितना दूर खड़ा होगा भाई, 1000 किलोमीटर दूर तो इसने गड्ढा खोद दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो लिख रहा है राइटर वो पक्का नशा करके लिख रहा है। खैर अपन को क्या लेना देना है, इस अटैक ने 1000 फुट दूर तक 1000 किलोमीटर तक गड्ढा कर दिया था। उस अटैक को देखकर अब तक गुदाओ भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि उसने फील किया था इस अटैक में काफी ज्यादा खतरनाक पावर है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर उनके हाथ की जो छड़ होती है वो तेजी से फूल जाती है और इसके बाद वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उन दोनों अटैक के टकराने के कारण 10,000 किलोमीटर तक एनर्जी का फ्लैक्चुएशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और काफी ज्यादा पहाड़ तुरंत ही ढह के धूल में बदल जाते हैं, क्योंकि आखिरकार ये 7 स्टार डूसेंग लेवल के वॉरियर्स के बीच की लड़ाई थी। ये राइटर पक्का मैथ में कमजोर था, इसके लिए सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। 10,000 किलोमीटर इसका बाप छोड़ के गया था इतना तेज अटैक। मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ यार, बुरा लगता है ऐसा पढ़ने पे। मैं कहता हूँ 10,000 किलोमीटर दूर पहाड़ फूट भी गया तो इस राइटर को कैसे पता चल गया। वो ब्लेड जैसे ही उसकी छड़ से टकराता है तो उसका आकार तेजी से छोटा हो जाता है और इसके बाद हुनसा के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी अचानक से हुनसा गायब हो जाता है और वे ब्लेड उससे टकराता है तो वो एक आफ्टर इमेज होती है। गुदाओ जैसे ही अपनी आंखें घुमाकर देखता है कि आखिरकार ये गायब कहाँ हुआ है, तो उसे हुनसा उस पर्वत पे दिखाया जाता है जहाँ पे जियोयान था। हुनसा जियोयान को देखकर कहता है, मैंने तुझसे बोला ना था कि तुम मुझसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका शुरू से ही टारगेट तो जियोयान ही था। और इसके बाद हुनसा तुरंत ही एक अटैक को जियोयान की खोपड़ी की तरफ चार्ज कर देता है। हालांकि वो अटैक जियोयान से टकरा पाता कि तभी जियोयान की बंद आंखें अचानक से खुल जाती हैं और हमें सड़ा सा सस्पेंस वाला सीन दिखाया जाता है। जियोयान की जैसे ही आंखें खुली तो ऑरा, जो कि उससे कई गुना ज्यादा मजबूत था, हर तरफ फैल गया था। उस ऑरे को फील करके हुनसा जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि आपकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे लगता है कि आप 6 स्टार डूसेंग हो गए हैं। क्या आपने वास्तव में TN9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर लिया है? और इसके बाद वो अपने अटैक को और भी ज्यादा तेज स्पीड से जियोयान की तरफ फेंकने लगता है। जियोयान उसके अटैक को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता है, बल्कि एक स्माइल करते हुए कहता है, टेस्ट दिस।
और उसके हाथ में वही सुनहरे ड्रैगन की एनर्जी होती है जो कि जियोन ने उस ड्रैगन से ली थी, जो कि जियोयान तेजी से उसकी तरफ शूट कर देता है। उनसा जैसे ही जियोयान के हाथ में गोल्डन ड्रैगन जैसा वो एक सिंबल देखता है तो उसके दिल में अचानक से सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि वो अपने दिल में बेचैनी को फील कर सकता था। हालांकि उसके पास अब अपने अटैक को रोकने का टाइम नहीं था, इसीलिए वो अब तो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए जियोन भी उसे देखकर कहता है कि जाओ, और जियोयान के हाथ से जैसे ही वो गोल्डन लाइटनिंग निकलती है तो तुरंत ही एक लाइटनिंग ड्रैगन में बदल के काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड से हुनसा की तरफ चली जाती है और उसके हाथ से टकरा जाती है जो कि वो जियोयान की तरफ बढ़ा रहा था। क्योंकि वो अब अपने हाथ को पीछे नहीं कर सकता था, इसीलिए उसका हाथ जियोयान के उस बिजली से जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद वो तेज़ी से पीछे की तरफ टूट हो जाता है और उसके हाथ से खून की धार भी निकलने लगती है। गुदाओ जो कि तेजी से जियोयान की तरफ भाग रहा था, ये देखकर चौंक गया कि आखिरकार जियोयान ने गोल्डन लाइटनिंग का यूज किया है, जिसे देखकर उसके दिल भी तेजी से धड़कने लगे थे। तभी हुनसा भी कहता है कि बास्टर्ड, ये क्या चीज है। अब तक उसकी हालत भी बिल्कुल पतली हो गई थी, क्योंकि उसके हाथ में ब्लडी ब्लैक होल देखा जा सकता था जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। मतलब सीधी सी बात थी कि उसके सभी डिफेंस लाइन सिस्टम धरे के धरे रह गए थे और जियोयान ने उसे हैविली इंजर्ड कर दिया था। हालांकि वो अपने अटैक पे और जियोयान पे फोकस कर ही पाता कि तभी अचानक से एनर्जी का फ्लैक्चुएशन उसे फील होता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि गू क्लैन के बाकी एल्डर्स यहाँ पे आने वाले हैं और उसके अब 9:11 होने का टाइम आ गया है। इसीलिए वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जियोयान इसे याद रखना, मैं निश्चित इसका 10 गुना तुमसे लूंगा। हुनसा समझ गया था कि यह उसका लास्ट चांस था और अब वो जियोयान को पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और तुरंत ही वहां से रफू चक्कर भी हो जाता है। तभी जियोयान भी फुल एटीट्यूड में उठता है। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि अब ये मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग कितनी ज्यादा खतरनाक रही होगी, क्योंकि वो भी इसे काफी ज्यादा मुश्किल से ही कंट्रोल कर पा रहा था। याओलिंग तो अभी भी चौंकी हुई ही खड़ी थी, क्योंकि वो जियोयान के पास ही थी और उसने देखा था कि हुनसा जियोयान से कितना जल्दी डर कर भागा है। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान वास्तव में इतने खतरनाक एल्डर को डराने में कैपेबल होगा। लगता है इसे भी क्रश आ गया जियोयान पे, ये भी गई हाथ से। याओलिंग तुरंत ही जियोयान के पास जाकर कहती है कि क्या आपने TN9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर लिया है, क्योंकि वो भी एक एल्केमिस्ट थी और उसे पता था कि TN9 की पिल कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए उसके लिए ये मान लेना कि जियोयान ने इसे इतनी जल्दी रिफाइन कर लिया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तभी जियोयान भी स्माइल करते हुए कहता है कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी बस इसके एक ही हिस्से को रिफाइन किया है। हालांकि जियोयान काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि TN9 की मिस्टीरियस पिल के एक पार्ट को ही रिफाइन करने के बाद जियोयान 6 स्टार डूसेंग लेवल पर पहुंच गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक करने वाली चीज़ थी। जियोयान बस यही सोच रहा था कि अगर मैं इस TN9 की मिस्टीरियस पिल को पूरा रिफाइन कर लेता हूँ तो हो सकता है मैं 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँच जाऊँ। और इसके बाद वो खुश होते हुए कहता है कि एक बार ये सब मामले निपट जाएं, इसके बाद मैं इस पिल को पूरी तरीके से रिफाइन करूंगा। तभी अचानक एक वॉइस आती है कि लगता है इस बार मैंने बिना किसी कारण के ही इंटरफेयर कर दिया है, और ये गुदाओ की होती है जो कि धीरे धीरे जियोयान के पास आ रहे थे और उन्होंने जियोयान के अटैक को भी देखा था, जिसके कारण हुनसा की भी बैंड बज गई थी। इसीलिए उन्हें भी समझ में आ गया था कि अपना जियोयान साउथ का हीरो है, वो अकेले ही भोकाल है, मतलब अकेले ही काफ़ी है सबके लिए। उनकी तरफ देखकर जियोयान भी कहता है कि गुदाओ, आप वास्तव में मजाक करना जानते हैं, अगर आपने उस टाइम पे इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं पहले ही इस मेडिसिनल पिल के कारण ब्लास्ट हो गया होता। और इसके बाद जियोयान स्माइल करते हुए उन्हें तुरंत ही ग्रीट करता है। जियोयान की बात को सुनकर गुदाओ के हाव भाव थोड़ा सा बदल गए और उन्होंने कहा, ये आखिरकार कौन सी पिल है जिसका इफेक्ट तुम भी नहीं झेल सकते। जिस पे जियोयान स्माइल करते हुए कहता है कि ये एक TN9 की मिस्टीरियस पिल थी, हुनसा से बचने के लिए मैंने इसे स्वेलो कर लिया था। TN9 की मिस्टीरियस पिल, गुदाओ का तो थोबड़ा ही कांप गया और वो स्माइल करते हुए जियोयान को देख रहा था। वो बस यही कह रहा था कि ये लड़का सच में कितना ज़्यादा किस्मत वाला है, इस लेवल की पिल को तो मैंने भी आज तक स्वेलो नहीं किया, ना ही देखा ही है, क्योंकि पहली बार तो जियोयान ही ने बनाई है यार। हालांकि एल्डर गुदाओ और जियोयान आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एनर्जी का फ्लैक्चुएसन होता है और 10-12 लोग वहाँ से निकल कर आए दिखाई देते हैं। वे सभी तुरंत एक के बाद एक आते हैं और एल्डर गुदाओ को सम्मानपूर्वक ग्रीट करते हुए उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जियोयान भी अब तक काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था, क्योंकि उसको पता चला कि वास्तव में यहाँ पे जो लीडर है वह जियोयान का जाना पहचाना इंसान लिंग क्वाइन था, जिससे जियोयान की जानी दुश्मनी थी एक टाइम पे, क्योंकि लव ट्राई एंगल था ना भाई, लव ट्राई एंगल।
जोयान लिंकवेन को देखता है तो वहीं लिंकवेन की नज़र भी जोयान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। हालांकि वो गुकलेन में रह रहा था, लेकिन उसने जोयान के बारे में हर एक बात को सुना था। उसे देखकर उसके दिल में बस एक ही थॉट चल रहा था कि कुछ 10 साल पहले तक इसके अंदर कोई भी पावर नहीं थी, और आज ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि पूरे ड्यूकी कॉन्टिनेंट को लीड कर रहा है। लिंकवेन तुरंत एल्डर गुदाओ से कहता है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट समय कैप्चर हुई थी, जिसके कारण हम जितना जल्दी आ सकते थे उतना जल्दी हम यहाँ पर आए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा था? उसकी बात को सुनकर गुदाओ कहते हैं कि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इस बार जो व्यक्ति आया था वह हुन क्लेन से चार डैन बैन सेंट में से एक हुनसा था। उनकी बात को सुनकर लिंकवेन और बाकी लोगों के हाव भाव काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि हुन क्लेन के वो चार डेमन सेंट हाई रैंक के एल्डर हैं हुन क्लेन में, और उनकी पोजीशन बिल्कुल वही है जो कि गु क्लेन में गु क्लेन के तीन इनमॉर्टल एल्डर्स की हैं, मतलब कि तीन अमर एल्डर्स की। यहाँ पे गुदाओ विजयान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि देखो ये अभी तक तुम सबसे कितना छोटा है, फिर भी हुनसा के पीछे किए जाने के बाद भी ये अभी तक जिंदा है, और साथ ही साथ इसने हुनसा की कलाई को भी तोड़ दिया था। अगर हमारे गुकलेन में कोई यंग जनरेशन का जियोयान के जैसा वॉरियर होता तो क्या कभी हुन क्लेन की हिम्मत होती हमें धमकाने की? और इसके बाद वो उन सभी को डांटते भी बहुत हैं। उनकी बात को सुनकर लिंकवेन कहता है, समझ गया एल्डर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो एल्डर के साथ बहस कर सके। और इसके बाद वो जियोयान को देखता है, क्योंकि उसे पता था हुनसा कितना ज़्यादा पावरफुल है, और उससे लड़ना तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था, जबकि सामने वाला मतलब जियोयान उसके हाथ से भी बच के आ गया और उसका हाथ भी तोड़ डाला। तभी जियोयान भी इंटरफेयर करते हुए कहता है कि एल्डर गुदाओ को मेरी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, यदि आपने इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे अभी तक टुकड़ों में खड़ा होता। इसके बाद जियोयान थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि एल्डर गुदाओ, क्या आप मुझे क्लेन लीडर से मिलने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि याओ क्लेन के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाने की बात कोई छोटी सी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि हुन क्लेन कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोच रहा होगा। लिंकवेन और बाकी लोग जिन्होंने ये अभी अभी सुना था उनके फेस इंप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, और वो एक साथ ही कहते हैं कि क्या याओ क्लेन भी समाप्त हो गया? तभी गुदाओ कहते हैं कि ये मामला सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर खुद नहीं आए होते और आपने हमें नहीं बताया होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि आखिर हुन क्लेन करने क्या वाला है। साथ ही साथ क्लेन चीफ भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। इसके बाद वो याओलिंग की तरफ देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, और इसके बाद वो धीरे से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें यान क्लेन और लेई क्लेन को भी जल्दी से इनवाइट करना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हुन क्लेन अगली कार्यवाही उन्हीं के ऊपर करेगा। उनकी बात पर जोयान भी एग्री हो जाता है और अपना सिर हिला देता है। तभी गुदाओ और भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता था कि यह मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए वो लिंकवेन और बाकी लोगों को गु सिटी में वापस भेजने के बाद तेज़ी से गु एरिया में एंटर होते हैं, और साथ ही साथ उनके जियोयान और लिंक याओलिंग भी होते हैं। ये न्यूज अब तक गु क्लेन में काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ फैल गई थी, जिसके बाद सभी को यही पता चल गया था कि आखिरकार हुन क्लेन कुछ ना कुछ तो बड़ा करने की योजना बना रहा था। इसके बाद हमें गु क्लेन का एक हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे एल्डर बैठे हुए थे, और साथ ही साथ चीफ की सीट में गु युआन बैठे हुए थे। हालांकि गु युआन देखने में तो बिल्कुल सीधे शांत और नॉर्मल ह्यूमन की तरह मैंगो मैन लग रहे थे, लेकिन जियोयान अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर को देखते हुए ये फील कर सकता था कि इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और ये ड्यूकी कॉन्टिनेंट के टॉप लेवल के वॉरियर्स में से एक हैं। गु युआन की बाई ओर तीन ओल्ड एल्डर खड़े हुए थे, शायद यही वो तीन इमॉर्टल एल्डर हैं, क्योंकि इन्हीं में से एक गुदाओ भी थे। जियोयान के पास ही एल्डर सीट में कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे, हालांकि वो जियोयान को देखकर काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जियोयान जब पिछली बार गुकलेन में आया था तब वो एक नॉर्मल डूजून लेवल का वॉरियर था। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, फिर भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि जियोयान को वो एल्डर्स रिस्पेक्ट दें। लेकिन अब जब जियोयान दोबारा कुछ ही वर्षों बाद गुकलेन में आया है, तो जियोयान की जो पावर बढ़ी है वो 6 स्टार डूसेंग लेवल तक पहुँच गई है, यानी कि तीन इमॉर्टल एल्डर के बाद जियोयान सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तभी गु युआन के दाहिनी ओर गु क्लेन के यंग जनरेशन के लोग आते हैं, जिसमें से एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की भी होती है, जो कि जियोयान को देख रही थी, जिसे देख के किसी को भी जेलिसी हो जाए जैसे कि मुझे भी हो रही है, और वो हमारी प्यारी जूनियर होती है। जियोयान तुरंत ही सामने जाकर गु युआन को ग्रीट करता है,
क्योंकि जोयान को पता था ये पावरफुल तो हैं ही, साथ ही साथ उसके ससुर जी भी तो हैं। जोयान के बगल में यावलिंग भी तेजी से उनका सम्मानपूर्वक प्रणाम करती है। गुयुआन जोयान को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, कितने कम टाइम के अंदर आप आखिरकार इस लेवल तक पहुंच गए। मुझे लगता है कि जियो क्लैन के रिवाइवल की उम्मीद आपसे की जा सकती है। जिस दिन जियो जुआन को ये पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। गुयुआन अब तक काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे और जोयान की तारीफ भी कर रहे थे। उनकी बात को सुनकर जो एल्डर वहाँ पर बैठे हुए थे वो भी चुपचाप स्माइल कर देते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब उन्होंने गुयुआन को किसी की तारीफ करते हुए और ऐसे क्रेडिट देते हुए सुना हो। गुयुआन जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप मुझे अंकल कह सकते हैं, हालांकि मैं तुमसे कई गुना अधिक साल बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी है, समझे? नहीं, तुम नहीं समझे, कुछ लोग तो बहुत जल्दी समझ गए होंगे। गुयुआन की बात को सुनकर जूनियर का चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा तुरंत ही नीचे कर लेती है। साथ ही साथ गुक्लेन के यंग जनरेशन के सभी वॉरियर्स भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं जब उन्होंने देखा कि गुयुआन ने जोयान और जूनियर के बीच के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे जोयान को भी समझ में आ गया था कि आखिरकार गुयुआन कहना क्या चाहते हैं, इसलिए जोयान कहता है, धन्यवाद अंकल। अब तक जोयान को समझ में आ चुका था कि उसके किए की चर्चा हर जगह हो चुकी है और वो इन ओल्ड एल्डर की आंखों से नहीं बच पाया है। जोयान को पता था कि अगर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो गुक्लेन वाले कभी भी उनके रिलेशन के लिए एग्री नहीं होते, क्योंकि गुक्लेन के लिए जूनियर सबसे बड़ा ट्रेजर थी और वो किसी भी नॉर्मल इंसान को इतना बड़ा ट्रेजर तो नहीं देंगे। हालांकि यहाँ पे गुयुआन काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और वो जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जोयान, मुझे यावक्लेन के बारे में और कुछ बताओ। उनकी नज़रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी के लिए जोयान से ज़्यादा अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। आज काफ़ी लोगों का दिल टूटने वाला है, मुझे बहुत बुरा लगा, काफ़ी सारे लायक और नालायक लड़के मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंकल, जो जूनियर को पसंद करते हैं। किसका किसका दिल टूटा है मुझे बताना सब लोग, क्योंकि जूनियर तो गई। गुयुआन जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो जुआन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और इसके बाद यावलिंग की तरफ देखते हुए अचानक से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि अंकल टनलिंग क्लेन के बारे में जानते हैं क्या। हालांकि जुआन ने जैसे ही ये बोला था अचानक से स्टार प्लस वाली सनसनी फैल जाती और सभी लोग एकदम से जोयान की तरफ देखने लगते हैं और उनकी आंखों में कुछ डर भी दिखाई दे रहा था। उन लोगों के ऐसे रिएक्शन को देखकर जोयान की तो हार्ट बीट जापान की ट्रेन की तरह तेज होने लगती है। इस एक क्लेन का नाम सुनकर इनका ऐसा रिएक्शन था, जबकि ये सब गु क्लेन से बिलोंग करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। जोयान तुरंत ही कहता है कि अंकल को पता होना चाहिए कि उन क्लेन के पास नीलेट डिबोरिंग फ्लेम भी है, जिस पे गुयुआन कहते हैं कि हाँ, मैंने लीडेड डिबोरिंग फ्लेम के साथ एक बार मारपीट की थी और उसे काफ़ी हैवी इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, हो सकता है कि वो अब तक ठीक हो गई हो। उनकी बात को सुनकर तो जुआन की धड़कनें धक धक होने लगती हैं, क्योंकि जुयुआन ने देखा था कि नीलेट डिबोरिंग फ्लेम कितनी ज़्यादा पावरफुल है और उसने याव क्लेन में डूडी लेवल के यावदी की आत्मा को भी कितनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे ये गुयुआन कह रहे हैं कि उन्होंने हैवी इंजर्ड कर दिया था नीले डिबोरिंग फ्लेम को, मतलब इनकी पावर कितनी होगी उसका तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल था। जोयान तुरंत ही यावलिंग से नज़रों को एक्सचेंज करता है और इसके बाद यावक्लेन की पूरी घटना को विस्तार से बता देता है और साथ ही साथ टनलिंग क्लेन के बारे में भी बताता है, जिसे नीले डिबोरिंग फ्लेम ने यूज किया था। जोयान की बात जैसे ही ख़त्म होती है तो सभी एल्डर कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, नीले डिबोरिंग फ्लेम टनलिंग में चेंज कैसे हो सकती है। उनमें से किसी को जोयान पे भरोसा नहीं हो रहा था। हालांकि जोयान कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को क्या लगता है। और इसके बाद वो अंकल गु की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आप जानते हैं कि टनलिंग क्लेन क्या है। वो बताते हैं कि टनलिंग क्लेन एशियन टाइम पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस क्लेन था, जिसने ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट में काफ़ी बड़ा खूनी तूफान मचा दिया था। वो बताते हैं कि मैंने बुक्स में पढ़ा है कि एशियन टाइम में ब्लड लाइन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, जो कि किसी भी क्लेन को नॉर्मल ह्यूमन से अलग बनाती थी और पावरफुल बनाती थी। लेकिन एक टाइम के बाद क्लेन की पावर और ब्लड पावर धीरे धीरे ख़त्म होने लगती थी, जिसके बाद उनके और नॉर्मल ह्यूमन के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहता था। और इसे बचाने के लिए एक ही शर्त थी कि क्लेन में फिर से एक डूडी लेवल का वॉरियर उत्पन्न होना चाहिए। उनकी बात को सुनकर जोयान उनकी बात से एग्री हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उन क्लेन ने जियो क्लेन को इसीलिए ख़त्म कर दिया था क्योंकि जियो क्लेन की जो ब्लड लाइन पावर थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गई थी।
इसके बाद वो जियान को बताते हैं कि आखिरकार दुनिया में काफ़ी सारे रहस्य हैं, टंडी क्लेन भी उनमें से ही एक था। उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी और अपनी ब्लड लाइन को बचा के रखने के लिए वो एशियन क्लेन्स के अदर क्लेन्स की ब्लड लाइन को ऑब्जॉर्व करते थे। इससे पहले कि उनकी ब्लड लाइन ख़त्म हो, वो अदर एशियन क्लेन की ब्लड लाइन को ऑब्जॉर्व करके अपनी ब्लड लाइन के टाइम को बढ़ा देते थे। और इसके लिए उन्होंने कई एशियन क्लेन को निशाना भी बनाया था, जिसके कारण डुइक्यू कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा आपदा आ गई थी। उन्होंने एक एक करके काफ़ी सारे एशियन क्लेन्स को डिस्ट्रॉय करके उन सभी की ब्लड लाइन को ऑब्जॉर्व कर लिया था। हालांकि टनलिंग क्लेन के ऐसा करने के कारण कई सारे एशियन क्लेन उस टाइम पर नाराज हो गए थे और उन्होंने एक अलायंस बनाकर टनलिंग क्लेन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। हालांकि उस टाइम पर टनलिंग क्लेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और अकेले किसी भी क्लेन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी इतने सारे एशियन क्लेन से एक साथ लड़ने में वो कैपेबल नहीं था, इसीलिए टनलिंग क्लेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। हालांकि टनलिंग क्लेन के कुछ मेंबर्स भाग गए थे, लेकिन इसके बाद टनलिंग क्लेन के बारे में सुनने को कुछ भी नहीं मिला था। और कितना कहते कहते वो अचानक से रुक जाते हैं और कहते हैं, मुझे याद है कि टनलिंग क्लेन के आखिरी मेंबर को, जो कि टनलिंग क्लेन का चीफ था, उसे हुन क्लेन ने मार दिया था। और उनकी ये बात सुनकर उस बड़े हॉल में बैठे सभी लोगों के हाव भाव काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि टनलिंग क्लेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बल्कि हुन क्लेन ने उन्हें अभी तक बचा के रखा था और यही कारण है कि हुन क्लेन की भी ब्लड लाइन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वो धीरे से कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हुन क्लेन ही टनलिंग क्लेन हो। और इसके बाद वो जियान की तरफ देखते हैं। जियान उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्लेन चीफ, क्या आपको पता है कि वो एशियन क्लेन आखिरकार गायब कैसे हुए थे? क्या ऐसा हुआ था कि उनके अंदर डूडी कोई पैदा नहीं हुआ था, जिसके बाद उनकी ब्लड लाइन धीरे धीरे ख़त्म हो गई और वो डिस्ट्रॉय हो गए? जिसकी जियान की बात को सुनकर गुयान कहते हैं कि उनके गायब होने का तरीका काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था। अगर मैं सच कहूँ तो ये काफ़ी हद तक सी और लिंक क्लेन के जैसा ही था। और इसके बाद वो चौंकते हुए जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि उन एशियन क्लेन्स में गिरावट नहीं आई थी, इसका मतलब है उन्हें हुन क्लेन द्वारा ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके बाद वो एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि 10,000 वर्षों में काफ़ी सारे क्लेन्स में गिरावट आई और कुछ क्लेन्स ऊपर भी उठे हैं। हालांकि जो क्लेन सबसे ज़्यादा सुरक्षित था वो हुन क्लेन ही था। साथ ही साथ उनकी ब्लड पावर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये एक अंतहीन है। हालांकि मैं अकेला नहीं हूँ जैसे ऐसा लगता है, लेकिन ये क्लेन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और इसके इस मिस्टीरियस होने के कारण इसकी छानबीन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो यान आपने ऐसा कहा है, इसीलिए अब हमारे पास शक करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि हुन क्लेन ही टनलिंग क्लेन के समान है। तभी गुदाओ कहते हैं, तब तो फिर हम हुन क्लेन के लिए सिर्फ उनकी ब्लड लाइन को बढ़ाने वाली ब्लड पावर के जैसे ही हैं। मतलब एक दिन वो हुन क्लेन इन पे भी अटैक करेगा और इनकी ब्लड पावर को भी तेज़ी से अब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ये सभी लोग भी मारे जाएंगे, उनका ये कहने का मतलब था। गुयुआन कहते हैं कि हमें हुन क्लेन से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भले ही उसके पास टनलिंग क्लेन की एबिलिटीज़ हों, लेकिन फिर भी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हमें दबा सके। उस टाइम पे जियो जुआन ने जब उस पर अटैक किया था तो वो हुन तियानडी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो विलेन का नाम आ गया भाई लोग। गुयान की बात को सुनकर अब एल्डर्स भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। गुयान कहते हैं कि मुझे लगता है अब तक नीले डिवोरिंग क्लेन पूरी तरीके से ठीक हो गई होगी। हालांकि हमने इतनी बार हुन क्लेन के अंदर जांच की है, लेकिन हम फिर भी नीले डिवोरिंग क्लेन को स्कैन क्यों नहीं कर पाए? इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके पास अपना खुद का कोई भी बॉडी और फिगर नहीं है। गुयान स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कंट्रोल एबिलिटी और फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जैसे जियान ने कहा है कि टनलिंग क्लेन मेंबर्स में नीले डिवोरिंग फ्लेम चेंज हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये नीले डिवोरिंग फ्लेम के कारण ही है कि हुन क्लेन इतने सालों तक सरवाइव कर पाया है। उनकी बात को सुनकर गुदाओ कहता है कि क्लेन चीफ का मतलब है कि नीले डिवोरिंग फ्लेम ने ही टनलिंग क्लेन के लास्ट क्लेन चीफ को खा लिया था और उनकी जितनी भी मिस्टीरियस स्किल्स थी उन सभी को उसने मास्टर कर लिया था। जिस पर गुयान कहते हैं कि यही मामला होना चाहिए, वरना तो दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हुन क्लेन टनलिंग क्लेन की स्किल्स को सीख सके। गुयान की बात को सुनकर हाल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। तभी गुयान कहते हैं कि हुन क्लेन ने लिंग क्लेन, सी क्लेन और याओ क्लेन को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब कि उनका मोटिव सीधा और सिंपल है, वो एक तो ब्लड लाइन की पावर को ऑब्जॉर्व करना चाहते हैं और दूसरा तूसी प्राचीन गॉड की जड़ को चाहते हैं।
मुझे लगता है कि हुंतियांडे अब और सहन नहीं कर पा रहा है। जियोयान जब इस दबंग नाम को सुनता है तो वो भी धीरे से अपने मुंह से बोलता है हुंतियांडे। हालांकि जियोयान को पता था कि उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए वो इस नाम को डिजर्व करता है, क्योंकि इस डुइकुई कॉन्टिनेंट में एकमात्र व्यक्ति था जो उसे चैलेंज कर सकता था और वो था गु युआन। जियोयान तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर कहता है कि अंकल गु, आखिरकार आप उनसे कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि होन क्लेन के हाथ में पहले ही 4 जेट के पीस लग चुके हैं और उन्हें 4 और चाहिए है। अगर उन्हें ये 4 जेट के पीस और प्राप्त हो जाते हैं तो वो गॉड केप को ओपन कर देंगे, जिसके बाद वो डूडी क्लास में आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद वो डुइकी कॉन्टिनेंट में किसी को भी अपनी इच्छा से मार सकते हैं। हालांकि यहाँ पे गु युआन काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में डूबे हुए थे, किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार वो सोच क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो सभी को पता थी कि अगर गु क्लेन हुन क्लेन के साथ फाइट करता है तो ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी और इस फाइट में किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार जीतेगा कौन और हारेगा कौन। यहाँ तक कि गु युआन को भी इस तरीके का डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जियोयान कहता है कि अंकल गु, 8 एशियन क्लेन में से केवल 3 ही क्लेन बचे हुए हैं। अगर हुन क्लेन इन तीनों क्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है तो हम सिर्फ मरने की ही प्रतीक्षा कर सकते हैं। जियोयान कहता है कि लड़ें और जिंदा रहने के चांस को क्रिएट करें, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कुछ भी ना करके लिंगसी और याओ क्लेन की तरह अपनी मौत का इंतजार करें। जियोयान की बात को सुनकर सभी एल्डर सनसना जाते हैं और इसके बाद उनकी सीधी नज़र चीफ गु युआन की तरफ चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि सभी कोई बस उनके ही डिसीजन का वेट कर रहा हो। थोड़ी देर बाद गु युआन अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए जियोयान की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, छोटे साथी, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। कोई जाओ यान और लेई क्लेन को मैसेज भेजो और उनके क्लेन चीफ को इस लाइफ और डेथ के बैटल के लिए इन्वाइट करो। अब मज़ा आएगा ना, अब लड़ाई शुरू होगी कुछ दिन बाद, मतलब कुछ एपिसोड बाद। उस हॉल के अंदर सभी एल्डर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं जब उन्होंने सुना कि गु युआन ने क्या डिसीजन लिया है। वे समझ गए थे कि अब वो अपना एल्डर का अपना डिसीजन वापस नहीं लेंगे, ना ही उसे चेंज करेंगे। मतलब सीधा था कि डुइकी कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल 2 सुपर गोट आपस में 1000 साल बाद फिर से फाइट करने वाले थे, जो कि लाइफ और डेथ का बैटल होने वाली थी, जिसमें विनर जिंदा रहेगा और हारने वाला मारा जाएगा। गु युआन का ये डिसीजन जल्दी से गु एरिया में फैल जाता है, जिसके बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते थे। हालांकि कुछ एल्डर्स को वापस से सेंट्रल पेंस में भेजा गया था ताकि वो काफ़ी सारी न्यूजेस को कलेक्ट कर सके हुन क्लेन के बारे में। हालांकि जियोयान ने तुरंत ही गु क्लेन को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपने आप को TR9 की मिस्टीरियस पिल की बची हुई ऊर्जा को रिफाइन करने के लिए इस टाइम को चूज़ किया था, क्योंकि जियोयान को पता था कि अगर वो इसे जल्दी से निपटाएगा नहीं तो ये जियोयान को ही निपटा देगी। इसके बाद हमें बांस का वही पुराना घर दिखाया जाता है जहाँ पे जियोयान और जूनियर हमेशा मिलते रहते थे। तभी वहाँ पे आवाज आती है, जियोयान, आपको जो भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए थे वो सब यहाँ पर हैं, क्या कुछ और है जो आपको याद आ रहा है? और ये जूनियर होती है जो कि जियोयान के सामने खड़े होकर उससे सब कुछ पूछ रही थी। जूनियर के सामने काफ़ी सारे जेट के बॉक्स तैर रहे थे, जिससे काफ़ी पावरफुल मेडिसिनल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि ये कोई भी नॉर्मल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं है। साथ ही साथ जूनियर लाई है, वो भी जियोयान के लिए। जियोयान चांद मांग ले तो ये चांद तोड़ने चली जाए? मेडिसिनल इंग्रेडिएंट कौन से खेत की मूली है? जियोयान जूनियर की खूबसूरत फिगर को ध्यान से देख रहा था, यहाँ तक कि वो पलके भी नहीं झक पा रहा था। इसके बाद जियोयान से कंट्रोल नहीं होता, वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और जियोयान के जूनियर के हाथ को पकड़कर तेज़ी से उसे खींच लेता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि अभी भी एक चीज़ मिसिंग है और वो है एक ब्यूटीफुल गर्ल की। जियोयान की बात को सुनकर जूनियर का चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है और जिसके बाद वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है, जिसके बाद जियोयान को फील होता है कि उसकी बॉडी के अंदर बस तबाही और ज्वालामुखी फूटने वाला है। मतलब जियोयान आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था। जूनियर धीरे से जियोयान के नज़दीक जाती है और उसके बाद उसके चेस्ट के कपड़े को हटा देती है। उसे हटाते ही जूनियर के हाथ में ब्लड की कुछ ड्रॉप्स आ जाती हैं और वो तुरंत ही देखती है कि जियोयान के चेस्ट में काफ़ी गहरे घाव बने हुए थे। उन चोट के निशानों को देखकर जूनियर को पूरा पेन फील होने लगता है और वो तुरंत ही नाराज़ होते हुए कहती है, हुन क्लेन के ये लोग वास्तव में सिर्फ मरने के लायक हैं। हे, ये लड़की कितनी पॉजिटिव है यार। तभी जियोयान भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ हाँ, बस ये एक छोटा सा घाव है,
और इसके बाद वो जूनियर को पकड़ता है और किस करता है, और इसके बाद स्माइल करते हुए वापस से कल्टीवेशन में बैठकर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके देखने लगता है जो कि उसके सामने तैर रहे थे। वो जूनियर से कहता है कि जूनियर तुम मुझे यहाँ पे सेव करके रखना और यहाँ पे पहरा देना, क्योंकि मुझे मेरे अंदर की TN9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करना है, जिसमें मुझे कुछ टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी परेशान ना करे। अब तक जीवन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था और उसका इतना कहने के बाद ही उसके कंधे पर लिटिली तुरंत आ जाता है, जो कि अपना मुंह चौड़ा करके तुरंत ही सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। जब जूनियर ने देखा कि जीवन ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, तो उसका चेहरा जो कि अब तक पूरी तरीके से लाल हो गया था, धीरे धीरे वापस से कंट्रोल में आ जाता है। वो तेज़ी से उस डोर को बंद कर देती है जिसके अंदर जियोयान था, और इसके बाद धीमे से अपने होंठ को टच करती है, क्योंकि जियोयान ने किस किया है भाई, अब तो ये मंजन भी नहीं करेगी 4-5 दिन तक। छी छी कितना गंदा आदमी हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे जूनियर मन ही मन स्माइल कर रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाँ हाँ यंग मिस। उस वॉइस को सुनकर जूनियर जैसे ही मुड़ती है तो देखती है पीछे लिंग इंग खड़े होते हैं। उन्हें देखकर जूनियर का चेहरा तुरंत ही लाल हो गया और उसने स्माइल करते हुए कहा, ओल्ड लिंग। लिंग इंग तुरंत ही जूनियर के पास स्माइल करते हुए आते हैं और कहते हैं, आपकी दृष्टि मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे पता था कि यंग मास्टर जियोयान की अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मैंने फिर भी कभी नहीं सोचा था कि वो प्रेजेंट टाइम पेस लेवल तक पहुंच सकते हैं। उनकी बात को सुनकर जूनियर तुरंत स्माइल कर देती और उसे कुछ प्राउड भी फील हो रहा था। भाई कुछ जियोयान की तारीफ कर दो तो इसके लिए तो बस वो भगवान के बराबर है। वह तब तो शांत रह सकती थी जब कोई उसकी तारीफ कर रहा हो, लेकिन अगर कोई जियोयान की तारीफ करता था तो उसका दिल अनजाने में और भी ज़्यादा खुश हो जाता था। लिंग यान पुरानी बातें करता है और कहता है कि एक टाइम था जब एक दशक पहले यंग मास्टर जियोयान नायलान यारान को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे, और एक टाइम अब है जहां पे क्लेन चीफ ने भी उनके अचीवमेंट के कारण उनको एक्सेप्ट कर लिया है। लिंग यान को पूरी तरीके से याद था कि उसने जियोयान को कैसे कैसे सेव किया था और कब कब उसकी रक्षा की थी। साथ ही साथ दोनों क्लेन्स के बीच में इशू होने के कारण कभी वो जूनियर के साथ भी अच्छी तरीके से रह नहीं पाया था, और शायद ये भी एक कारण था कि जियोयान इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाया था। जूनियर भी अब तक उसी बांस के घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई थी और उसके हाथ उसके गाल पे रखे हुए थे, और वो खुद को काफ़ी ज़्यादा लकी मानती थी कि उसका बचपन उस भूटेन सिटी पे बीता था जहाँ पे वो जियोयान के साथ रह पाई थी। ये यादें उसके दिल में अभी भी काफ़ी ज़्यादा गहरे थी। हालांकि जियोयान ने जो पिल के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मंगाए थे वो काफ़ी ज़्यादा रेयर नहीं थे, क्योंकि जियोयान को ये इंग्रेडिएंट सिर्फ उस पिल की पावर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए थे, ना कि किसी पिल को क्रिएट करने के लिए। इसीलिए इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का यूज करके जियोयान को जो पिल बनानी थी वो कोई हाई लेवल की पिल नहीं थी। जियोयान को पता था कि TN9 की पिल कोई ऐसी पिल नहीं है जिससे वो अपनी मर्जी से स्वेलो करके उसे रिफाइन कर सके, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बीस्ट लेवल की पावर होती है और इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि जियोयान को TN9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने के लिए जिन पिल की आवश्यकता थी उन्हें जियोयान आधे दिन के अंदर ही बना लेता है, और ये 3 अलग अलग रंग की होती हैं। जियोयान फील कर सकता था कि इन पिल में स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। जियोयान तीनों पिल्स को एक साथ काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद जियोयान एक इशारा करता है और लिटिली पिंक फ्लेम में बदल कर एक ड्रैगन क्रिएट करता है जो कि जियोयान के चारों तरफ लिपट जाता है। जियोयान को पता था कि उसने इन 3 पिल्स को खा लिया है, जिसके बाद मिस्टीरियस 9 पिल की कुछ पावर तो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जियोयान लिटिली की हेल्प से उसके अंदर जो उसकी मेरिडियंस में क्रिस्टल जमा हो गए उन्हें भी तेज़ी से रिफाइन कर सकता था, जिसके बाद वो नेचुरल एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। जियोयान फील कर सकता था कि धीरे धीरे उसकी डुई कोई बढ़ती जा रही है और वो पावरफुल होता जा रहा है। हालांकि जियोयान पहले ही 6 स्टार डूसेंग लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिसका प्रभाव सिर्फ TN9 की मिस्टीरियस पिल ही थी। जियोयान को इसे रिफाइन करते करते 10 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। जियोयान ने अब तक इस पिल के क्लस्टर को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, जिसके बाद जियोयान तेजी से स्पीड के साथ इसे डुईकुई में चेंज करने लगता है जो कि उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद जियोयान 11वें दिन अपनी आंखों को खोलता है और उसके चारों ओर का फायर ड्रैगन धीरे से उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। जियोयान जमीन पर जैसे ही खड़ा होता है और आँख बंद करके अपने अंदर की पावर को फील करता है तो वो फील कर सकता था कि उसकी पावर 6 स्टार डूसेंग लेवल पर स्टेबल ही नहीं हुई है, बल्कि वो
डूसेंग लेवल के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है। जियो यान को TR9 की मिस्टीरियस पिल से जो इफेक्ट मिले थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि जियो यान यहाँ पे पूरा पूरा 1 स्टार तक आगे बढ़ चुका था। लेकिन जियो यान कहता है कि फ्यूचर में अगर मैं अब कोई हाई लेवल की पिल को खाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा इफेक्ट मुझे दोबारा मिल पाएगा, जब तक कि मैं TR9 की हाई ग्रेड की गोल्डन पिल को अब्सॉर्ब नहीं करता हूँ तब तक। जियो यान जैसे ही अपने कल्टीवेशन से बाहर आता है और बाहर का दरवाज़ा खोलता है तो जूनियर तेज़ी से स्माइल करते हुए जियो यान के पास अंदर आ जाती है और कहती है, जियो यान आपकी पावर फिर से बढ़ गई है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। जूनियर की बात को सुनकर जियो यान भी स्माइल करता है और उससे हाथ मिलाता है। अब तक वो ये भी फील कर सकता था कि वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग का भी यूज कर सकता था, हालांकि जियो यान को पता था कि इस पावर की एक लिमिट है, इसीलिए जियो यान को इसे सबसे क्रूशियल मोमेंट पर ही यूज करना चाहिए। हालांकि जियो यान यहाँ पर यह सब सोच ही रहा था कि तभी आवाज़ आती है कि जियो यान, यान और लेई क्लेन के मेंबर्स पहले ही गो क्लेन में आ चुके हैं, फादर ने आपको इनवाइट किया है और कहा है कि आप भी वहाँ पे आ जाइए। जिस पर जियो यान कहता है, ओह अंत में वो आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। जियो यान भी अपना सिर हिला देता है और जाने के लिए एग्री हो जाता है। प्रेजेंट टाइम पे जियो यान अकेला नहीं था बल्कि उसके पीछे उसका स्काई मैंसन अलायंस था, यहाँ तक कि गू क्लेन जैसा एक एशियंट क्लेन भी सेंट्रल प्लेन्स के इतने बड़े गुट का या अलायंस का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसीलिए जियो यान वहाँ पे फुल चौड़ के साथ जा सकता था। तो इसी के साथ हम यह एपिसोड भी यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड पे हमें पता चलेगा कि आखिरकार होने क्या वाला है। अब आएगा मजा। आई थिंक कि 1 या 2 एपिसोड के बाद यहाँ पे अटैक होना चाहिए। खैर जो भी हो, हम उसे तो नेक्स्ट एपिसोड पे ही देखेंगे। मैं कोई भी एक स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। तो थ्रियन फैमिली,